हमारा नया YouTube चैनल शायान जमाल ब्लॉग्स अब तैयार हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हे फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत सारे दोस्तों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप अपने किट बैग का रिव्यू करें, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को कि इस बैग में क्या है। तो चलिए देखते हैं इस बैग में शायान ने क्या क्या छुपा रखा है। तो मैं सबसे पहले दिखाने वाला हूँ अपना बैग। तो ये मेरा रेगुलर बैग है, ये मेरा रेगुलर बैग है। मैं इसको नेट में, मैचेस में या किसी भी प्रैक्टिस में इसको यूज करता हूँ। और ये CWI का इंग्लिश विलो बैग है। ये क्रिकेट वंडर्स इंडिया का शानदार इंग्लिश विलो बैट है दोस्तों, आप देख सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर स्टीव वॉ सर का ऑटोग्राफ भी है। तो ये बैट बन चुका है बहुत ही कीमती, है ना शायन? ये बैट बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, इसके अंदर बहुत ही शानदार स्ट्रोक है। शानदार के कई आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त नॉकिंग हुई हुई है इस बैट की। और शायान इसके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करता है, इसके साथ साथ मैचेस में भी इस बैट का यूज करता है, है ना? हाँ। तो चलो और हाँ। हाँ। मेरे पास एक और बैट है। okay. ये जो बैट है, ये जैसे ये बैट को मैं तो रेगुलरली यूज करता हूँ, लेकिन इस बैट को धीरे धीरे नॉक करते रहते हैं हम। तो इसके साथ ये जब मैं रख दूंगा थोड़े दिनों बाद, और फिर इसको दोस्तों एक्चुअली क्या है ना कि वो शायान का अभी रेगुलर बैट है और वो उससे काफी हद तक सारी क्रिकेट उसी से खेलता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी लेटेस्ट हम लोगों ने कई सारे वीडियोस भी अपलोड करे हैं, ये बैट बिल्कुल शायान का अभी नया है और इससे अभी प्रैक्टिस शुरू हुई है। इसकी हम लोगों ने टैपिंग करी थी, फिर नॉकिंग भी हुआ है काफी हद तक। आप देख सकते हो बैट्स टूट चुके हैं। और इसके बाद जैसे ही वो रिटायर होने के कगार पे आएगा, ये बैट बिल्कुल शायान का तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से शायान हमेशा अपने किट बैग में दो बैग्स कैरी करता है, एक जो कि रेगुलर प्रैक्टिस में होता है और दूसरा स्पेयर होता है। क्योंकि ये अभी इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी शायान इसके साथ साथ काफ़ी यूज हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर जब ये रेगुलर करने लगेगा तो एक और दूसरा बैग आ जाएगा इसके साथ में। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि किट के अंदर और क्या क्या शायान को छुपा रखा है। बहुत ही चूजी है शायान, बहुत सारी चीजें अपने किट बैग के अंदर छुपा के रखता है। कई बार तो मुझे भी पता नहीं होता कि ग्राउंड पे क्या निकलने वाला है इसके अंदर। तो चलो शायान आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस किट बैग के अंदर और क्या क्या है, अपने दोस्तों को दिखा दो। वाओ, ये है शायान के बॉल्स का खजाना, क्या बात है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि शायान किस तरीके से कौन सा बॉल यूज करता है, क्योंकि शायान काफी टाइम प्रैक्टिस करता है नेस के अंदर। तो उसके लिए हम लोग रेगुलर जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए, देखिए ये खेल खेल के काफी पुराना हो चुका है लेदर बॉल। और शायान के किट बैग में हमेशा कम से कम 3 तो नए बॉल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक CWI का है और एक ये बाकी अलग अलग बॉल्स हैं। तो ये 3 नए बॉल्स होते हैं जो कि शायान ओपनिंग बैट्समैन है, तो इसलिए नई बॉल्स फेस करने में इसे आसानी रहे, तो इस वजह से पहले वो नए बॉल से प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फिर रेगुलर प्रैक्टिस करता है पुराने बॉल से। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा होगा अभी जो कुछ दिन पहले वीडियो आया था उसमें नेट्स के अंदर इस बॉल का यूज करते हुए। तो दोस्तों ये नॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये हॉकी बॉल है और इस बॉल के यूज करने से आपके पास जो है आप काफी बचत कर सकते हैं एक्चुअली अपने पैसों की, क्योंकि लेदर बॉल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और 300-400 रुपए का एक बॉल आता है।
तो ये बॉल जल्दी खराब नहीं होता, आप देख सकते हैं ये वाले हॉकी वाले बॉल, तो ये खराब भी नहीं होता है और काफी समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही शायान कॉस्को बॉल भी यूज करते हैं नेट्स में अपनी नॉकिंग के लिए। तो इस तरीके से शायान कम से कम 2 दर्जन बॉल्स तो कैरी करता है अपने किट बैग में। इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किट बैग तो उठाना मुझे पड़ता है। ये तो थे बॉल्स, अब देखते हैं कि शायान ने आगे और क्या सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए। चलो शायान जल्दी से दिखाओ यार, क्या बात है। एक स्पार्टन का ग्लव्स है और एक एसजी का ग्लव्स है। मैं 2 इसलिए ग्लव्स रखता हूँ क्योंकि एक जब नेट में प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत देर प्रैक्टिस करने से एक ग्लव भीग जाता है, फिर बैट से बैट फिसलने लगता है हाथों से, फिर दूसरा ग्लव्स में काफी गीला हो जाता है। देखिए दोस्तों आप, काफी गीला हो जाता है बैट जब शायान काफी देर तक बैटिंग करता है, कई बार तो डेढ़ डेढ़ घंटे लगातार बैटिंग करता है, तो ग्लव्स नेचुरली गीला हो जाता है पसीने से। तो शायान हमेशा 2 ग्लव्स भी कैरी करता है और शायान का जो मोस्ट फेवरेट ग्लव्स है ये आप जानते ही हैं कि शायान किस तरीके से अपनी बैटिंग में इन दोनों ग्लव्स को यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद शायान ने और क्या छुपा रखा है अपने ग्लव्स के अंदर, अपने किट के अंदर। सॉरी, ये है हेलमेट। दोस्तों ये हेलमेट बहुत ही मेमोरेबल है, शायान का पहला है हेलमेट, पहला ही हेलमेट है और ये अभी तक यूज कर रहा है क्योंकि दूसरे हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास एक और भी हेलमेट है शायान के लिए एसडी का, वो मैं किसी और दिन दिखाऊंगा आपको। ये काफी इसकी हालत अब तकलीफ होती जा रही है ऊपर से, लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन एल्बियन का हेलमेट है, बहुत ही शानदार हेलमेट है, काफी प्यारा और बहुत ही रीजनेबल हेलमेट है। ये प्रोटेक्शन इसकी बहुत जबरदस्त है, ग्रिल भी बहुत अच्छा है, इसके कितना भी तेज बॉल आए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि शायद अंडर 15 भी खेलते हैं, तो उस वजह से प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वाह, अभी हमने कुछ दिन पहले दिखाया था शायान का नया पैड एसजी का, क्योंकि पुराना पैड अब थोड़ा सा छोटा हो गया था, स्लाइटली उससे बड़ी है ये। तो शायान अभी फिलहाल ये एसजी के टेस्ट पैड्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी के पैड्स हैं। तो चलो शायान अब आगे और क्या आपने रखा हुआ है वो भी हमें दिखा दो अपने दोस्तों को भी। ये स्पार्टन का शानदार थाई गार्ड, ये भी बिल्कुल नया, अभी शायान ने नए सेशन की शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के बाद, तो शायान ने इन दोनों चीजों को नए नए स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से एक बार फिर से अभी ब्रेक सा लग गया है प्रैक्टिस पे कुछ दिनों के लिए, देखते हैं हम लोग कब फिर ग्राउंड पे जाना शुरू करते हैं ना शायान। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पार्टन का हाई गार्ड है, ये कॉम्बो है, तो आपको अगर इन चीजों की रिक्वायरमेंट हो तो क्रिकेट वंडर्स इंडिया के दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और वहाँ पे जो सेल्स टीम है वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगी, और क्रिकेट वंडर्स इंडिया यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ पे आपको मिले फैंटास्टिक क्रिकेट गियर्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। नेक्स्ट है चेस्ट गार्ड, एक बार फिर से स्पार्टन का चेस्ट गार्ड बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर वो फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। चलिए आगे क्या है, नेक्स्ट एलगार्ड। ये है एलगार्ड, एसजी का एलगार्ड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे किट का, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के बिना दोस्तों कभी भी आप क्रिकेट ना खेले, लेदर बॉल क्रिकेट अगर खेलते हैं तो। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी। नेक्स्ट है कॉन्स, शायान के कॉन्स बिल्कुल पुराने हो गए और टूट भी गए हैं। ये कॉन्स दोस्तों हम लोग एज अ विकेट यूज करते थे पहले, लेकिन अब शायान इससे नॉकिंग भी करते हैं। अभी बहुत जल्द आने वाला है शायान का नॉकिंग कॉन्स, टी कॉन्स, तो हम उसको आपको आराम से दिखाएंगे, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो अब हम और शायान इसमें रखते हैं एक और कैप,
ये है शायान का दूसरा कैप जो कि किट बैग के अंदर हमेशा रहता है। और फिर शायान और क्या है इसके अंदर, अब इस पार्ट में शायान अपने खाने पीने की चीजें रखता है सेक्शन में, और ये सॉक्स रखता है क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हो कि ज्यादा देर तक अगर फील्डिंग करनी पड़े कभी मैच है पहले या फिर बैटिंग सेशंस में काफी टाइम, तो सॉक्स बिल्कुल गीली हो जाती है, तो शायान एक एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखता है। उसके साथ साथ ये शायान का फ्रूट बॉक्स है, इसमें शायान अपने लिए फ्रूट मम्मी तैयार करके देती है और शायान ग्राउंड पे उसको खाता है। तो चलो हम इसको यहां से बंद करते हैं। और ये जो सेक्शन है इसमें क्या है, तो इसमें है ये शायान के टॉवेल्स हैं, आजकल ग्राउंड पे बहुत जरूरत रहती है इसकी। इसके साथ ही शायान ने रखा हुआ है ये प्रोटेक्शन ग्लव्स, आप जानते हो आजकल इसकी बहुत जरूरत होती है जब हम लोग बाहर निकलते हैं कहीं भी, तो शायान इसको हमेशा अपने साथ रखता है ये, ताकि ये जो मुश्किल घड़ी है आप जानते ही हो कोविड का, तो इस वक्त इन चीजों की भी जरूरत होती है। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर, ये सेक्शन है शूज के लिए, इसमें मास्क होता है, सैनिटाइजर होता है, हैंड वॉश होता है। उसके बाद ये देखो जब शायान को कभी अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसके लिए आयोडेक्स भी होता है आयोडेक्स लगाओ और चोट भगाओ। ये एक्चुअली दोस्तों शू केव है, इसमें शूज रखने के लिए होता है। तो कैसा लगा दोस्तों शायान का किट बैग, आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी साथ ही दबा दें ताकि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अब मेरा ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉग भी तैयार हो चुका, हमारा नया यूट्यूब चैनल, हमारा नया यूट्यूब चैनल शायान जमाल ब्लॉग अब तैयार हो चुका है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा नया यूट्यूब चैनल शायान जमाल ब्लॉग अब तैयार हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से सब्सक्राइब करें।